नमस्कार। आत्मकथ्य कविता को जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। सबसे पहले कविता के बारे में बात कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने यह कविता कब लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद ने अपनी पत्रिका हंस में छापने के लिए श्री जयशंकर प्रसाद को अपनी आत्मकथा लिखने के लिए कहा था, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी आत्मकथा लिखने से मना कर देते हैं। कवि ने इस कविता में जीवन के यथार्थ को प्रकट करने के साथ साथ उनके अभावों के बारे में भी लिखा है जो उन्होंने अपने जीवन में झेले थे। वो लिखते हैं, मथुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। जीवन को वह एक बाग बगीचे की तरह मानते हैं और कहते हैं कि मन हमारा जो है एक भंवरे की तरह है जो हमेशा गुनगुनाता रहता है और अपनी कहानी कहता रहता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। और इस बगीचे में, इस जीवन रूपी उपवन में बहुत सारी पत्तियां मुरझाकर गिर जाती हैं, यानी बहुत सारी आशाएं बिना पूरी हुए ही खत्म हो जाती हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। गंभीर अनंत नीलिमा किसे कहा है? गंभीर अनंत नीलिमा होती है अत्यधिक सुस्त गंभीर अंतहीन विस्तार रात्रि, यानी कि यहाँ पर कवि निराशा की बात कर रहा है। निराशा के भावों से भरा हुआ है क्योंकि उसकी ना जाने कितनी ही इच्छाएं बिना पूरी हुए उसके मन में घुटकर रह गई हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे है गागर रीति। वह कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी, अपने जीवन के बारे में लिखा, फिर भी उनका जो व्यंग्य मलिन उपहास, उन्होंने अपने जीवन का केवल उपहास ही किया। आप फिर भी ये कहते हो कि ये सब चीज़ें देख कर के भी मैं अपनी आत्मकथा लिखूं? क्या मेरी आत्मकथा ऐसी है, लिखने लायक है कि आप इसे पढ़कर के कोई सुख पाओगे? क्योंकि मेरी आत्मकथा तो एक गागर रीति के समान है, एक खाली घड़े के समान है जिसमें आपको कोई भी अच्छी बात दिखाई नहीं देगी, केवल अभावपूर्ण जीवन दिखाई देगा। अन्य पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी जो गागर रीति रह गई है, मेरे जीवन में जो अभाव रह गया है, वह अभाव आप ही के कारण हो? कहीं उस गागर को खाली करने वाले कहीं आप ही तो नहीं थे? अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कि हे ऐसे व्यक्ति जो आपने, जिसने मेरा रस चुरा लिया है और अपनी गागर को भर लिया है, यानी अपने जीवन को भर लिया है, मैं उसकी क्या बात करूं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम वही हो जिसने मेरे जीवन में कमी कर दी या अफवाहों से मेरा जीवन भर दिया? यह विडम्बना, अरे सरल थे तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। फिर कहते हैं कि हे, मेरी यही विडम्बना है मेरे जीवन की कि मुझे लोगों से बहुत धोखा मिला है। कि क्या मैं अपनी भूल दिखाऊं, अपनी भूल लिखूं क्या आत्मकथा में, कि जो मैंने अपनी भूल की है, जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं, लोगों से धोखे खाए हैं, क्या मैं अपनी आत्मकथा में वह लिखूं? उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिल कर हंसते होने वाले उन बातों की। कि या मैं अपनी उन मधुर चांदनी रातों की आपको बात बताऊं जो अभी है नहीं, यानी वो केवल मेरे मन में बसी हुई हैं और वर्तमान में मेरे पास वो यादें नहीं हैं। वह
जो यादें हैं उनको केवल मैं अपने मन में बसा करके रखना चाहता हूँ और कि सभी को इसमें भागीदार बनाना नहीं चाहता हूँ। जब वह कभी अपनों के साथ खिलखिलाकर हंसा था और अपने लोगों की मीठी मीठी बातों में डूबा था और उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया था, क्या उन क्षणों को वह औरों को क्यों बताए? फिर कहता है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, कि मुझे ऐसा सुख ही कहाँ मिला कि मैं जिसका स्वप्न देख करके जाग गया हूँ। आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया, कि मेरा प्रियतम जो था मुझसे दूर चला गया है और वो बिल्कुल मेरे पास आ गया था, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में उसके गाल बिल्कुल लाल हैं। अरुण यानी लाल गालों, मतवाली यानी मस्ती भरी छाया। छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में, कि मेरे पास जो सुबह होती थी मेरी वो बहुत ही सुंदर होती थी और मेरी प्रीतम जो थी उसके गालों की इतनी सुंदरता थी लाली, उसी से सुबह भी लालपन लिए हुए होती थी। उसकी स्मृति पथेई बनी है थके पथिक की पंथा की, आज मेरे मन में केवल उसकी स्मृति ही बची हुई है और मैं एक बिल्कुल थके हुए पथिक की तरह हूँ, राहगीर की तरह हूँ, जो किसी रास्ते पर धीमे धीमे कदमों से चल रहा है, थके हुए कदमों से चल रहा है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कि यदि आप मेरी सिली हुई गुदड़ी को देखोगे तो मेरे छिपे रहस्य को जान जाओगे, लेकिन मैं ये सब छुपा करके रखना चाहता हूँ, किसी को भी बता करके नहीं, अपना मजाक उड़ाना चाहता, व्यंग्य बनवाना चाहता और मैं उसे व्यक्त करना नहीं चाहता हूँ। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, कि मेरा तो छोटा सा जीवन है, इसकी मैं बड़ी बड़ी कथाएं कैसे लिख दूँ? क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? कि यही अच्छा होगा कि और लोग जो अपनी आत्मकथाएं लिख रहे हैं वही सुन करके मैं चुपचाप रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? कि मेरी आत्मकथा तो बहुत भोली भाली सीधी सादी सी है, जिसमें कुछ बताने को नहीं है। जीवन में मेरे कोई अचीवमेंट्स नहीं है तो मैं उनका बता करके आपको क्या लूँ? अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, और अभी बताने का समय भी नहीं आया है, क्योंकि मेरी जो पीड़ा है वो चुप है, मौन है। मौन यानी चुप होना, व्यथा यानी पीड़ा। मेरे भीतर की जो अभी मौन पीड़ा है वो थकी हारी सो रही है और अभी उसका किसी से भी उठ करके बात करने को मन नहीं है, यानी अपनी पीड़ा मैं किसी को भी बताना नहीं चाहता हूँ। इस कविता से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न यदि हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उन सभी प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। इसके अलावा आपको और चैप्टर्स के प्रश्न भी नहीं आते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।